दोस्तों आज शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि है और इस मौके पर नरवाना की जो भारत की नौजवान जनवादी सभा है उनके द्वारा ब्लड डोनेशन जो कैंप लगाया गया है वहां पहुंचे थे, लेकिन अचानक मैं एंट्री करते ही मैंने क्या देखा, यहां पर नई नई स्कूटी है। क्या ब्लड डोनेशन या ब्लड डोनेटरों को ये स्कूटी दी जा रही है? कुछ बात करेंगे इसका, मेरे को समझ में नहीं आया मैटर क्या है कि यहां पर ब्लड डोनेट किया जा और साथ में स्कूटी की जा रही है, इसके बारे में भी पता करेंगे कि ये स्कूटी यहां पर क्यों रखी जा रही है, किस टीम को दी जा रही है, या कोई समाज सेवी को दी जा रही है, या फिर जो ब्लड डोनेटर है उनको दी जा रही है। डॉक्टर की टीम भी दिखाएंगे। फिलहाल एक बार स्कूटी दिखा देता हूं, यहां पर जो स्कूटी खड़ी है पूरी नई नई स्कूटी खड़ी है, अभी दो है, बाकी चली गई है, कहां गई है ये पता नहीं, लेकिन अभी दो रह गई है। अभी इनसे भी बात करेंगे, ये स्कूटी कहां से आई, किसके लिए रखी गई है। फिलहाल अंदर जाकर बात करते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ से रजिस्ट्रेशन वगैरह, रजिस्ट्रेशन यहाँ से शुरू होता है? अच्छा, रिफ्रेशमेंट के मत, जब भी ब्लड डोनेट करता है तो यहाँ पर रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ पर फूड वगैरह दिया जाता है। और यहाँ पर डॉक्टरों की टीम है जो रजिस्ट्रेशन करती है, रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर डॉक्टर साहब से बात करेंगे। हाँ जी सर, नमस्कार। सर कहाँ से पहुँची आपकी टीम? हम सर कैथल से आए हैं, नोबल ब्लड सेंटर से। अच्छा, हाँ। तो कितने टीम में आपके सदस्य हैं? अभी हमारी टीम में 10-12 सदस्य हैं, अभी चल रहा है प्रोसेस, काम है, कैंपिंग चल रही है, अभी 2 बजे तक तो बैठे हैं यहाँ पे अभी। अच्छा, और 50+ हमने यूनिट कलेक्ट कर लिया है। हाँ जी। अच्छा, तो सर यहाँ से जब भी कोई रजिस्ट्रेशन करा तो क्या क्या प्रोसेसिंग क्या होती है? रजिस्ट्रेशन में सारी स्क्रीनिंग होती है डोनर्स की, तो उनकी बैक हिस्ट्री, कब उन्हें पहले ब्लड डोनेट किया, उनका HB चेक होता है, स्क्रीनिंग करते हैं, BP चेक होता है, सारा चेक करने के बाद हेल्थ भी चेक करते हैं, कोई बुखार? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई बुखार है उनसे पूछते भी हैं कि कोई आपको पहले बुखार आया है रिसेंटली, कोई अगर बुखार आया तो हम उसका ब्लड डोनेट नहीं करते हैं, तो एक आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद ही अगले फॉरवर्ड पर जाता है, अगले स्टेप पर। ठीक है, अभी इसका मैटर मेरे को समझ में नहीं आया, इसका मैटर अभी भी पूछेंगे, ये स्कूटी क्यों रखी गई है, इसके बारे में क्या ब्लड डोनरों को दी जाती है स्कूटरी, इसके बारे में अभी बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, NG न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। भाई दोस्तों, नरवाना की जो भगत सिंह लाइब्रेरी है, आज यहां पर हमारे शहीद है चंद्रशेखर आजाद, उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है, और इस मौके पर जो हमारी भारत की जनवादी नौजवान सभा है इनके द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। बहुत ही अच्छा संदेश है समाज के लिए, जब भी कोई शहीदी दिवस आता है इस प्रकार का कार्य समाज में होता है, और मुख्य अतिथि के रूप में दरवेश पुनिया जी जो समाज सेवी है, बड़ा नाम है इनका, तो ये पहुंचे, अभी इनसे बात करेंगे। और साथ में हमारे साथ नरेश जी है जो इसे भारत की जो नौजवान सभा के राज्य सचिव है, इनसे भी बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, और जो ये कार्य किया गया है इनकी तरफ से, इनके बारे में भी पूछेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, शहीदी दिवस पर हमारी जो नरवाना की जो नौजवान पीढ़ी है वो कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करने के लिए आगे प्रेरित हो रही है, और ऐसा ही कुछ जो हमारी भारत की जनवादी नौजवान सभा है इन्होंने भी आज यही निर्णय लिया कि ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाए नरवाना के अंदर। जी जी, सबसे पहले तो मैं अपने शहीदी दिवस पर और देश के महान शहीद और देश के प्रति अपनी जान कुर्बान करने वाले श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी को प्रणाम करता हूँ, और उसके साथ साथ ही नौजवान सभा को मैं बहुत ही बधाई देता हूँ कि ऐसे अवसर पर इन्होंने युवाओं में जोश भरने का काम किया और उनको एक सही रास्ते पर लेके आने का काम किया, नशे से बचने के लिए, और उनमें एक देशभक्ति के लिए जज्बा भरने का काम किया, और ये ब्लड डोनेशन कैंप लगवा कर अपने एरिया के लिए और शहीदों का सम्मान के लिए एक कदम बढ़ाया, उसके लिए मेरा इनको हाथ जोड़ कर नमस्कार। ठीक है, तो नरेश जी इनसे बात करेंगे। सर कितना टारगेट रखा गया था जो ब्लड डोनेशन यहाँ पर यूनिट का, और कितना अब तक हो पाया है, और जो युवा साथी है वो किस प्रकार का उत्साह इसमें दिखा रहे हैं? हमने 100 यूनिट का एक टारगेट उस टाइम पे सेट किया था, और आज लगता है जिस तरह का उत्साह है 100 से ज़्यादा यूनिट हो जाएंगी, 60-70 के करीब जो है वो अभी तक हो चुका है, तो नौजवानों में काफ़ी उत्साह इस कैंप को लेके है। बेसिकली शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत की याद में ये कैंप लगाया है, और महान किसान आंदोलन जो 13 महीने अभी हम देख के आए हैं, 750 से किसान उस आंदोलन में शहीद हुए, उन शहीदों की याद में ये कैंप है,
और जिस तरीके से जिस बड़े पैमाने के ऊपर बेरोज़गारी बढ़ रही है, बेरोज़गारी के खिलाफ एक तरीके का विरोध भी इस कैंप के माध्यम से रक्तदान करके नौजवान जो है वो दर्ज करवा रहे हैं आज के इस ब्लड कैंप के माध्यम से। तो अभी कश्मीरा जी हसडैर है, बड़े ही समाज सेवी है, किसी भी जाति किसी भी धर्म का कोई भी कार्यक्रम हो सबसे आगे रहते हैं कश्मीरा हसडैर जी, इनसे ही बात करना चाहेंगे। सर कहाँ कहाँ से हमारे जो नौजवान साथी हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए आए हुए हैं, कहाँ कहाँ आपने मैसेज दिया था, कितनी कितनी दूर से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और सभी क्रांतिकारियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और हमारे जैसे कि आपने पूछा है कि कहाँ कहाँ से साथी पहुँचे हैं, हमारे यहाँ पर जितने भी आसपास कोचिंग सेंटर हैं छात्रों की ज़्यादातर इस मामले में भागीदारी रही है और नौजवान साथियों ने इसमें बड़ा बढ़ चढ़कर भाग लिया है, क्योंकि कई दिन से लगातार हम इस विषय पर काम कर रहे थे और शहीदों को समर्पित, किसानों को समर्पित और चंद्रशेखर आज़ाद जी की इस पुण्यतिथि को मनाने के लिए जोरों शोरों से हमारी तैयारियां थी। और इसमें जितने भी साथी आए हैं ज़्यादातर इसमें स्टूडेंट्स ने भाग लिया है और नौजवान साथियों का इसमें बहुत सहयोग। जैसे यूनिट जो इकट्ठी जा रही है किस किस जगह पर जाएगी यूनिट? ये हमारा नोबल ब्लड बैंक है कैथल से, ये जो कलेक्ट करने के लिए आए हैं और जो रक्तदान एकत्रित होगा वो समाज सेवा में ज़रूरतमंद लोगों के लिए जब भी ज़रूरत पड़ती है, जिसको भी ज़रूरत पड़ती है वो वहाँ से समय समय पर रक्तदान रक्त को वहाँ से यूनिट को ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ की जो तस्वीरें हैं ब्लड जो डोनेट किया जा रहा है डोनरों के द्वारा वो दिखाएंगे। भी दोस्तों जैसे ये स्कूटी के हमने देखा भी, ये स्कूटी क्यों रखी गई है, क्या ब्लड डोनेशन करने वालों को स्कूटी दी जा रही है ऐसा हमने सोचा, क्योंकि बाहर नई स्कूटी लगाई हुई थी, अभी दो रह गई है बाकी पता नहीं कहाँ चली गई। तो अभी इनसे बात कर लेते हैं, हमारे साथ कश्मीरा हसडैर जी है प्रधान जी, इनसे बात कर लेते हैं। प्रधान जी क्या कुछ मामला है, समझ में नहीं आया भाई बाहर नई स्कूटी रखी गई है, क्या ये ब्लड डोनेटरों को दी जा रही है? मैं सुरेश कुमार, मैं शहीद भगत सिंह रंध केंद्र की संचालन समिति का सदस्य हूं। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा या DYFI के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया है। इस शिविर में हमसे बहुत सारे लोगों ने अपनी सेवा देने के लिए संपर्क किया। अच्छा, एक संपर्क हमारे साथ एक हफ्ता पहले, यहाँ इलेक्ट्रिक स्कूटी का कोई गोदाम है, शॉप है, उन्होंने संपर्क किया और उन्होंने कहा जी हम रक्तदान के दौरान जितने भी डोनर होंगे हम सभी डोनर्स को अपनी तरफ से फ्रूट देंगे। अच्छा, फ्रूट कितना भी फ्रूट लगे वो फ्रूट हम देंगे, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट ये है, हमें अनुमति इस बात की दी जाए कि हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटी हम यहाँ रखेंगे। हमें लगा कि जब अगले मदद करना चाहते हैं तो इनकी मदद लेनी चाहिए और वो उस एंगल से वो मदद ले ली। और ये इलेक्ट्रिक स्कूटी आजकल महिलाओं के लिए लड़कियों के लिए बड़ी ज़रूरत की चीज़ हो रही है, लोग देखते हैं, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगला एक समाज सेवा के तौर पर अब यहाँ 100 से ज़्यादा लोग डोनर हैं जो करेंगे उनको रिफ्रेशमेंट दी जाएगी, वो अपनी तरफ से फ्री दे रहा है, ये एक सहयोग है उनका, ये प्रचार कम है सहयोग ज़्यादा है। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रधान जी ने पूरी बात खुलकर समझाई, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था भाई ये क्या कुछ मामला था। आज कश्मीरा से ही पूछ रहे थे, कश्मीरा जी वाक्य में ये बात है सही कि हाँ, जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, आपकी टीम से संपर्क किया गया है, स्कूटी की जो भी शॉप है BSS हम रिफ्रेशमेंट के लिए। हाँ यही इसमें सही है, ये बात सही है इनकी, प्रधान जी ने बताया जैसे कि साथी जो हमारा उनकी तरफ से रिफ्रेशमेंट दी गई है, जो भी साथी यहाँ पर ब्लड डोनेट करता है उन चीज़ वो पैरलर कर रहे हैं जहाँ वो सेवाएं दे रहे हैं ब्लड डोनेशन के लिए। सबसे बड़ा तो मानव सेवा के लिए ही होता है स्वेच्छा से डोनर के लिए रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था करना, ये भी एक ब्लड डोनेशन का एक मेन कड़ी होती है, क्योंकि जो डोनर है उसको खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये भी एक हिस्सा था, अभी जैसे अभी पूरी बात आपके समझ में आ गई होगी भैया स्कूटी क्यों रखी गई है। ये स्कूटी इसलिए रखी गई थी क्योंकि जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है इसमें जो ये स्कूटी के जो मालिक है, जो शॉप है जिनकी, ये भी अपनी सेवा देना चाहते थे, इस सेवा का एक हिस्सा बनना चाहते, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि हम सेवा देना चाहते हैं और रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ फूड देना चाहते हैं, तो इसीलिए ये स्कूटी यहाँ पर रखी गई थी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, नरवाण से ये खबरें दिखाई जा रही है। धन्यवाद।